नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीपी पांडे। एक व्यूवर्स ने सवाल पूछा है कि उनकी एज जब 15 साल की थी तो उन पर मुकदमा दर्ज किया गया था। सेक्शन 323, 504, 506 में एफआईआर दर्ज हुई थी। विवेचना के बाद वो चार्जशीट उस थाने के क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय को भेज दी गई और उन्होंने जाके अपनी जमानत भी करा लिया। वह मुकदमा उस प्रॉपर न्यायालय में चल रहा है, तो उन्हें क्या किसी गवर्नमेंट जॉब में परेशानी आएगी? वो तो जुवेनाइल हैं, उनकी एज 18 वर्ष से कम है तब जब मुकदमा दर्ज किया गया था। तो उसमें क्या करना चाहिए, क्या उन्हें कोई गवर्नमेंट जॉब में परेशानी आएगी या नहीं आएगी? इस तरह का उन्होंने सवाल किया है कि पुलिस वेरिफिकेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? तो आ सकती है, क्योंकि वो जो केस है, वो पूरा मामला है, वो जुवेनाइल कोर्ट में नहीं है। जब कोई ऐसा एफआईआर किसी पर दर्ज होता है, कोई केस दर्ज होता है और उस व्यक्ति पर जिसकी एज 18 वर्ष से कम है, तो वो जो आरोप लगाया गया है, वो उसका जो ट्रायल होता है, वो जुवेनाइल कोर्ट में चलता है, किशोर न्याय बोर्ड में चलता है। लेकिन अगर पुलिस वालों ने चार्जशीट भेज दिया, उसको 18 वर्ष का नहीं माना, या कहीं से विवेचना के दौरान ये पता नहीं चला कि उसकी एज 18 वर्ष से कम है और वहां चला गया है, तो उसमें बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। उस कोर्ट में जाइए, उस क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में जहां पत्रावली चल रही, जहां वो फाइल चल रही है, उसमें एक अप्लीकेशन लगाइए अपने एज का प्रूफ देते हुए, अपनी सर्टिफिकेट को लगाते हुए कि घटना के समय मेरी उम्र इतने वर्ष, इतने माह, इतने दिन की थी, मैं उस समय जुवेनाइल था, यानी किशोर अपचारी था। जैसे ही उस कोर्ट को पता चलता है कि यह व्यक्ति नाबालिग था उस समय, घटना के समय, बाद में उसकी एज जो भी हो, जिस समय वो एप्लीकेशन लगा रहा है उस समय उसकी एज 21, 22, 23, 24 जो भी हो, लेकिन घटना के समय अगर उसकी एज 18 वर्ष से कम थी, तो उसे बालक ही समझा जाएगा और उस पत्रावली को किशोर न्याय बोर्ड को भेज दिया जाएगा। उन्होंने एक सवाल और किया कि क्या पुलिस वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम आएगी, मुझे कोई, मैं चाहता हूं कि मुकदमा समाप्त हो जाए। तो अगर लगता है कि मैंने जुर्म किया है, ऐसा मुझसे हुआ है, जाने अनजाने में जैसे भी हो गया, तो जब पत्रावली चली जाती है जुवेनाइल कोर्ट में, तो किशोर न्याय बोर्ड जांच करता है और जांच के दौरान लगता है कि इनकी एज 18 वर्ष से कम है, प्रॉपर प्रमाण मिल रहा है, तो वो जुवेनाइल होल्ड कर देता है। और जब किशोर वो घोषित हो जाते हैं, उसके बाद अगर लगता है कि मैंने जुर्म किया है और मैं मुकदमा नहीं लड़ना चाहता हूं, मैं इस पर राय नहीं देता, लेकिन अगर लगता है, तो वो जुर्म को स्वीकार कर सकते हैं। कन्फेशनल स्टेटमेंट के आधार पे वो जुवेनाइल कोर्ट उस मुकदमे को समाप्त कर देती है, कुछ फाइन लगा देती है, उस फाइन के आधार पर फिर वो मुकदमा समाप्त हो जाता है। लेकिन वो अर्थदंड लगता है, ये मत सोचिए कि मुकदमा हमने पैसे दे दिया, फाइन लग गई तो समाप्त हो गया। समाप्त तो हो गया, लेकिन वो अर्थदंड लगाया गया है, वह भी एक तरह की सजा होती है, लेकिन इसका करियर पे कोई असर नहीं पड़ता। अगर किसी बालक को जेल भी होता है और जेल से छूट के आता है, वो सजा खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, उसके बावजूद भी उसके करियर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो चाहे वो सजा हो, चाहे उसे होम में काटने की सजा हो, चाहे उसे अर्थदंड लगाया गया हो, सजा होती है लेकिन उसके करियर पे उसका कोई असर नहीं पड़ता है। तो एक तरीका ये भी है कि आप जो है अपने मुकदमे को समाप्त करने के लिए, चाहे आपको लगता है कि मैंने कुछ जाने अनजाने में इस तरह का मुझसे जुर्म हुआ है, और उसको अगर स्वीकार करते हैं तो अर्थदंड लगा दिया जाएगा और जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर वह मुकदमा समाप्त हो सकता है। बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब में आ गए हैं, तो उन्हें लगता है कि मेरा मुकदमा समाप्त हो गया है, लेकिन रिकॉर्ड में तो है पुलिस थाने में, मुझे परेशानी होगी। लेकिन देखिए, अगर आप जुवेनाइल हैं, जुवेनाइल डिक्लेयर्ड है, तो आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है नौकरी पर। और इस तरह के बहुत सारे सवाल, उनके जवाब हमारे इस चैनल पे प्लेलिस्ट है, गवर्नमेंट जॉब एंड क्रिमिनल केस, इस नाम की एक प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बहुत सारी वीडियो को हमने बनाया है, वहाँ करीब करीब जो अमूमन सवाल पूछे जाते हैं, लगभग सवालों का जवाब उसमें मौजूद है। तो इस वीडियो को, अगर आप इस तरह की वीडियो को और जानना चाहते हैं और आपके मन में इस तरह के जो सवाल उठते हों, जो शंकाएं हों, उन्हें जानना है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करिए,
और प्लेलिस्ट में जाके आप जरूर उस वीडियो को देखिए ताकि आपके मन में जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। धन्यवाद।